आज मैं आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस और यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? पहला है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे हम पूंजी अर्थव्यवस्था बोलेंगे, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, और आप याद रखेंगे हमेशा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलते हैं और देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न है जो कि यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि पहला, वृहत एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व होना, या फिर बी, औद्योगिक विकास में उद्योगों विदेशों का सहयोग होना, सी है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन दो है, क्वेश्चन नंबर दो, उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ आप बताएंगे कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। कहने का अर्थ है जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों को साथ मिलकर चलना, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सही मायने में व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं कि क्या प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? ए, डॉक्टर विमल जलान, बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी, पीवी नरसिम्हा राव, या फिर डी, पी चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि आपका एमपीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? पहला, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, या फिर परिवार की औसत आय के आधार पर किया जाता है, या फिर परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, या फिर डी, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये उत्तर प्रदेश पब्लिक, ठीक है, प्रोविंशियल कमीशन सर्विस, पहले यूपीपीसीएस था, अभी यूपीपीएससी हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, पहले प्रोविंशियल कमीशन सर्विस था। तो ये प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है कि परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है। तो ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो ऑप्शन बी या ए को टच कर देते हैं और उसी को सही मानते हैं कि विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स मारते हैं ऑप्शन ए को सही लगाते हैं कि विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है निर्धनता का आकलन किया जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। परिवार की औसत आय के आधार पर भी बहुत सारे विद्यार्थी मारते हैं, लेकिन ये सभी को छोड़ते हुए ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, परिवार के उपभोग, ठीक है, उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर पांच की ओर चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पहला, निर्यात बंद, दूसरा, आयात निर्यात बंद, सी, आयात बंद या नियंत्रित पूंजी। तो ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि आयात और निर्यात दोनों ही बंद, मतलब एक्सपोर्ट भी हम नहीं कर रहे हैं, उत्पादन जो हो रहे हैं उद्योग धंधों से, ठीक है, उद्योग के माध्यम से जो भी उत्पादन हो रहा है उसका ना तो हम निर्यात करते हैं और ना तो दूसरे देश या दूसरे राज्य में बने हुए सामानों का हम आयात करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था।
ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था अपने यहां से बने हुए मालों का न तो निर्यात करती है न तो आयात करती है किसी दूसरे अर्थव्यवस्था से। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था का अर्थ देश अथवा राज्य हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किन किन क्षेत्रों में दिखाई देती है, ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य है। इसमें ऑप्शन है आपके पास में कि कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, या उद्योग क्षेत्र में, या फिर सेवा क्षेत्र में, या इन सभी क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर है आपका कि ये कृषि क्षेत्र में, उद्योग धंधे क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जो है क्या है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी ज्यादातर उद्योग क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन इसका आंसर होगा इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। लेकिन आप कहीं कहीं पर ऑप्शन आप देखते हैं, कहीं कहीं पर आपका ऑप्शन कृषि क्षेत्र में रहता है, ठीक है। ज्यादातर में भारत में प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ऑप्शन ए रहता है, लेकिन आजकल के अगर परिप्रेक्ष्य में या संदर्भ में बात की जाए तो प्रचंड बेरोजगारी आपके उद्योग क्षेत्र में भी है और सेवा क्षेत्र में भी है। जब जिसको जब मन किया तब निकाल दिया, जब मन किया उद्योग धंधे बंद हो गए। लेकिन ज्यादातर जो इसका सही आंसर माना जाता है वो है आपका कृषि क्षेत्र, क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी इसी में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, एडम स्मिथ या अमर्त्य सेन या कीन्स या महबूब उल हक। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म हुआ, मानव विकास सूचकांक का फुल फॉर्म हुआ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस अर्थशास्त्री की देन है। तो इसका सही जो आंसर है वो है महबूब उल हक है। मानव विकास सूचकांक HDI में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP, वास्तविक क्रय शक्ति पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति GDP, या US डॉलर में GDP, या फिर US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है मानव विकास सूचकांक HDI में शामिल होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि हरित सूचकांक, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रीन इंडेक्स, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। ये MPSC मध्य प्रदेश, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ये है विश्व बैंक के द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है, या फिर ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। तो हरित सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है हरित सूचकांक, ये आप याद कर लेंगे, जिसको आप कहते हैं UNDP। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी है, ठीक है, सामाजिक असमानता ये नहीं है, प्रौढ़ साक्षरता है। तो ये आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि MPPSC प्री 2008 में ही सिमल्टेनियसली दोनों ही प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो शामिल है उसको हम लोग टिक कर लेते हैं। पहले जीवन प्रत्याशा देखिए, प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करिएगा, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो नहीं है का अर्थ है कि कोई एक ही ऑप्शन होगा, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो शामिल होने वाले हैं। तो शामिल होने वाले को आप एलिमिनेट कर दीजिए, एक आपका ऑटोमेटिकली रह जाता है। तो हम जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक में शामिल होने के लिए जो शर्त होती है उसमें जीवन प्रत्याशा को देखी जाती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को देखी जाती है, उसके बाद में प्रौढ़ साक्षरता को भी देखी जाती है। तो जब भी HDI की बात हो तो वहां पर जीवन प्रत्याशा कहने का अर्थ है कि कितने उम्र में लोग मरते हैं, और जीवन प्रत्याशा का मूल अर्थ यही है कि कितने उम्र में, या फिर जन्म मृत्यु, या फिर जो बीमारी का स्तर है वो किस प्रकार से है, इसी के बारे में जीवन प्रत्याशा में आकलन और डेटा इकट्ठा की जाती है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, उसके बाद में प्रौढ़ साक्षरता, लेकिन सामाजिक असमानता की बात नहीं की जाती है। मानव विकास सूचकांक में ये शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। पहला ऑप्शन है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
द्वारा, इसका एमपीपीएससी प्री 2008 में ये भी प्रश्न था, ठीक है। इसमें इसका सही आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। ऑप्शन देख के आप टिक लगा लेंगे कि जो भ्रष्टाचार से लड़ाई से संबंधित जो नागरिकों की मार्गदर्शिका की बात की गई है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर सीवीसीबी कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर सीवीसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अब इसमें से भी वही करेंगे कि जो असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो असमानता घटाने के उपाय को पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, जो एक बच जाएगा उसे हम टिक कर देंगे। देखिए, असमानता घटाने का उपाय कौन सा नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये असमानता घटाने का उपाय है। जैसे ही आप असमानता घटाना चाहते हैं तो आप न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को आपको लागू करना होगा। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ये नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका करारोपण मतलब कर को किसी पे रोपित कर देना। करारोपण का अर्थ क्या है? कर किसी पे थोप देना या कर किसी पे लागू कर देना करारोपण है। भूमि सुधार करके भी आप असमानता को घटा सकते हैं, करारोपण करके भी आप असमानता को घटा सकते हैं, ठीक है। कर को असमानता को घटाने के लिए कर आरोपित करके भी घटा सकते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। लेकिन अर्थव्यवस्था को अगर उदारीकरण की ओर अगर आप अगर लेकर अगर चलते हैं तो उसमें आप असमानता को नहीं घटा सकते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, किस रूप में भारत को परिभाषित किया जाएगा? एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक व्यापार आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर चौथा एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ये 48 से 52 बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे श्रम बहुत ज्यादा मिलते हैं और लोग बेरोजगार ज्यादा है, इसका अर्थ यही है। श्रम आधिक्य का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे रोजगार की कमी है, श्रम करने वाले लोगों का कोई कमी नहीं है। अगर चीन की बात की अगर बात की जाए तो चीन में जिस प्रकार से कम लागत में कोई किसी भी वस्तु का उत्पादन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी उत्पादन लागत काफी कम है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं कि क्या है प्रश्न। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये आप याद कर लेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, IBRD, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR। आप याद कर लेंगे कि WDR जो है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, किसका वार्षिक प्रकाशन है? ना तो IMF का है, IMF का अर्थ हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। UNDP का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी नहीं है। WTO आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय जो है व्यापार संगठन हो गया, ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका विश्व व्यापार संगठन हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि IBRD के द्वारा जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किया जाता है। IMF, UNDP और WTO को आप क्रॉस कर देंगे और IBRD को टिक करेंगे ऑप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग जान लेते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना था, इसे भी इस प्रकार के MCQ में डाल के पूछा जा सकता है, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य इनमें से क्या है, तब ऑप्शन में आप फाइंड आउट करेंगे कि गरीबों में से सबसे गरीब की मदद करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का 36% हिस्सा पाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में विश्व की कुल निर्धन आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है, ऑप्शन में 15%, 35%, 36%, 42%, इस प्रकार से ऑप्शन दे दे, तो आपको 36% को सही करना है कि भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का, ठीक है, भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का 36
प्रतिशत जो हिस्सा है वो पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य बिहार और उड़ीसा है। आपसे पूछ लिया जाता है कि निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य, आपको दो दो ऑप्शन करके दिया जाता है, ठीक है। तो आप वहां पर टिक लगाएंगे बिहार और उड़ीसा को। भारत में खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी का स्वरूप है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में जो है बेरोजगारी के किस किस प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं, तो देखिए भारत में खुली बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी का स्वरूप पाया जाता है, जबकि चक्रीय बेरोजगारी भारतीय बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बेरोजगारी का स्वरूप भारत में नहीं पाया जाता है, और ये ऑप्शंस में अगर रहे कि खुली बेरोजगारी ए, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, और डी में चक्रीय बेरोजगारी, तो आप बी का ऑप्शन लगाएंगे कि चक्रीय बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, बाकी खुली अदृश्य और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब यहां पर जो लास्ट ऑप्शंस है, लास्ट प्रश्न है, उसे हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। अगर संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात की जाए, कि संरचनात्मक का क्या अर्थ हुआ कि हम नई निर्माण की बात कर रहे हैं, संरचना नई निर्माण करना, तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है, ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में आके, आपको इतिहास, भूगोल, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था और मैथमेटिक्स, सभी के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, एक विद्यार्थी तभी अपने आप में संपूर्ण है जब उसे लगभग सभी विषयों का, संक्षिप्त में ही कहे लेकिन सभी विषयों का एक सिलसिलेवार ढंग से और विषयवार जानकारी हो। तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि एक विद्यार्थी को जितनी बातों की आवश्यकता होती है और जितनी बातें उन्हें जाननी चाहिए, उन सभी बातों को मैं समावेश करने का प्रयास करता हूं, और सभी सब्जेक्ट्स को मैं आसान ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। नमस्कार।